नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय सर दीपक ओलकर, आई एम मेडिकल स्टूडेंट एशिया। तो आप बोल रहे होंगे कि अभी तू कहाँ पे खड़ा है। तो मैं अभी आया हूँ रेलवे स्टेशन। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर कहा था कि मैं अभी इंडिया जा रहा हूँ, तो अभी मैंने परम टू मॉस्को जो है उसके अंदर मैंने ट्रेन बुक की हुई है। उसके बाद में मॉस्को टू मेरी फ्लाइट जाएगी दुबई, दुबई से फिर दिल्ली जाएगी, दिल्ली से फिर मैं महाराष्ट्र का हूँ, तो मुझे डोमेस्टिक फ्लाइट पकड़ के मैं जाऊँगा औरंगाबाद, और औरंगाबाद से फिर मैं घर पे जाऊंगा। तो मैं फर्स्ट टाइम अभी रशियन रेलवे के अंदर ट्रैवल करने वाला हूँ। तो रशियन रेलवे के अंदर ट्रैवलिंग करने का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहता है मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि मैंने करोड़ में था, इतनी हाई में था, इतने हरी में था, क्योंकि सब क्योंकि जब अपन घर पर निकलते तब सब चीज़ें बहुत फास्ट फास्ट होती रहती, क्योंकि अपने को मन के माइंड के अंदर बहुत चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता कि हम जा रहे हैं तो सब सामान लिया गया, कुछ कपड़े, कुछ डॉक्यूमेंट्स, मेन पासपोर्ट, सब चीज़ें माइंड के अंदर घूमती रहती। मैं अभी रात को 2 बजे सोया, अभी सुबह के 7:30 बज रहे, तो मैं रात को 2-3 घंटे सोया। अभी इतने जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे रेलवे स्टेशन के यहाँ पे आया, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम में मुझे पता नहीं कि रेलवे कहाँ पे खड़ी थी, क्या 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 प्लेटफॉर्म है, कौन कहाँ पे जाना पड़ता। तो मैंने अभी अभी यहाँ से एंट्री ली, देखो यहाँ से एंट्री ली। यहाँ से एंट्री लेने के बाद जैसे एयरपोर्ट पर बैग का चेकिंग होता है ये सब, वैसा ही चेकिंग यहाँ पे होगा, उन्हें हुआ हमारा भी वहाँ से। तो जैसा मैं टैक्सी में आया वैसा मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, टैक्सी में वाला जो मैं आया वो भी शूट नहीं किया, एयरपोर्ट पे आया वो भी, जैसे यहाँ रेलवे स्टेशन पे आया वो भी नहीं शूट किया। यहाँ से अंदर एंट्री ली, एंट्री लेने के बाद में यहाँ पे ये सिटिंग एरिया है लिखा हुआ है, पे क्या है ये सिटिंग एरिया लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, और इसके अंदर और यहाँ पे ये अपने यहाँ पे कुछ कुछ काउंटर रहे लगे हुए, यहाँ पे कुछ काउंटर लगे हुए इसके अंदर आप इंक्वायरी कर सकते। और यहाँ पे कुछ कॉफ़ी वगैरह पीने के लिए कॉफ़ी मशीन है, इसके अंदर भी कॉफ़ी मशीन है, ये वाली 2-3 कॉफ़ी मशीन है। और यहाँ पे आपको इंक्वायरी वगैरह करनी होगी तो यहाँ पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग काउंटर लगे हुए हैं, अलग कर आपको अगर कुछ शॉपिंग वगैरह करनी तो इसके अंदर कुछ शॉपिंग का छोटा सा स्टोर है, इसके अंदर आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हो। ये बाहर निकलने का रास्ता है, और यहाँ पे छोटे मोटे शॉप है, सोनी वगैरह के शॉप है यहाँ पे। यहाँ पे एटीएम भी है, ये बीटीवी का एटीएम है, बीटीवी का एटीएम है। यहाँ पे छोटा सा जापानी न्यूज़पेपर वगैरह मिलते हैं, वैसा यहाँ पे शॉप है। यहाँ पे अगर आपको स्नैक वगैरह खरीदने हैं तो स्नैक वगैरह, बिस्किट वगैरह यहाँ पे मिलते हैं। और यहाँ पे एंट्री है, यहाँ से हमने एंट्री ली, यहाँ पे पूरा हमारा सिक्योरिटी चेकअप चेकिंग हुआ, यहाँ से हमने बैग वगैरह सिक्योरिटी चेकिंग करके अंदर आए। और जैसे हम यहाँ से अंदर आते वैसे ही अंदर आते आपको यहाँ पे पूरा बोर्ड लिखा हुआ है कि कौन सी ट्रेन कहाँ पे जाती करके, यहाँ पे पूरा चार्ट लिखा हुआ है। और आपको उसके बाद में आपके मन में अंदर डाउट है तो यहाँ पे अंदर इंफॉर्मेशन सेंटर लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन डेस्क है, इसके अंदर आप जाके इंफॉर्मेशन आप मांग सकते हो, यानी आपकी ट्रेन कहाँ से कहाँ तक है, ट्रेन नंबर क्या है, वो आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि आपकी ट्रेन कब आएंगी। और ऊपर का देख सकते हैं आप, झूमर वगैरह लगे हुए हैं। अगर आपको कुछ स्नैक वगैरह चाहिए, या फिर कुछ चॉकलेट्स है, बिस्किट्स है, और जो कुछ भी स्नैक्स है, चिप्स वगैरह जो अगर आपको चाहिए ट्रेन के ट्रैवलिंग के टाइम में, तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे मैंने भी देखा, इस साइड में भी दुकान है, इस साइड में भी दुकान है, और यहाँ पे भी है ये वाला, यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक वगैरह मिलते, पानी मिलता, और उस साइड में भी है।
अभी यहाँ पे मैंने आपको बहुत चार पांच दुकान दिखाई है यहाँ पे, लगभग 10 से 12 ऐसे छोटे छोटे स्टोर है जिसके अंदर आप खरीद सकते हैं। ये एयरपोर्ट बहुत, मैं एयरपोर्ट बोल रहा हूँ, ये रेलवे स्टेशन बहुत बड़ा है, जो लगभग मैंने आपको जो दिखाया है उसी पे एक ही कंपार्टमेंट है, वैसे लगभग 3 या 4 कंपार्टमेंट बड़े बड़े है, लेकिन अभी पूरा शूट नहीं कर रहा, छोटा छोटा ही शूट किया मैंने ताकि वीडियो लंबा ना बने। तो आप समझ लीजिए कि मुझे शूट करने का बहुत मन है, लेकिन अभी क्या मेरी रात को नींद नहीं हुई पूरी बराबर, और अभी ज़्यादा शूट करूँगा तो मेरे फ़ोन के अंदर की मेमोरी फुल हो जाएगी। उसके बाद मुझे रशियन रेलवे का भी व्लॉग बनाना है, उसके बाद मॉस्को का, बाद में दुबई का, बाद में महाराष्ट्र जब जाऊंगा तब वहाँ का भी व्लॉग बनाना है। मेरे फ़ोन की अंदर मेमोरी है 256 GB, तो वो मेमोरी पूरी, मेरा फोन पहले ही आधा भरा हुआ है, वो मेमोरी भी उसके अंदर रहनी चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट भी के लिए दिखा रहा हूँ। हम अभी यहाँ पे देख ही रहे थे कि हमारे साथ में सफ़र में कोई हमको साथी मिल जाए, जैसे इंडिया के अंदर जैसे हम ट्रेन के अंदर ट्रैवल करते उस टाइम आपको कोई ना कोई मिल जाता अपने साथ बातचीत वगैरह करने के लिए। तो हम यहाँ पे अभी आए थे, तो हमारे साथ मॉस्को आने वाला एक यहाँ पे लगभग बुजुर्ग है 60 के आसपास होगा, तो अभी वो शुभम ओम और रफी उनके साथ अभी बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पे देखो शुभम है, रफे है, ओम है, और ये हमारे साथ आने वाले मॉस्को, जो यहाँ पे बुजुर्ग है क्या, तो उनकी उम्र 60-65 के ऊपर है, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं ऐसे वीडियो व्लॉग बना, मैं यहाँ पे ऐसा वीडियो व्लॉग बना रहा था, तो उन्होंने कहा कि मुझे भी आपकी वीडियो के अंदर आना है, बात करनी है। तो रिव्याता इंग्लिश की सोम को तम दो साथी पेरवी, तो ये बोल रहे कि हैप्पी न्यू ईयर फॉर ऑल इंडियंस, और स्कजी ते त्रस्तुति दिली असो इंडियंस की त्रस्तुति। यहाँ पे सब अर्बन टिकट मिलते हैं, यानी जहाँ पे लोकल सिटी जो यहाँ पे परम के आजू बाजू में जो भी छोटे छोटे गाँव है ना, तो उनको जाने के लिए वहाँ पे टिकट मिलते हैं। और ये जो इधर वाला जो सेक्शन था, नहीं इधर वाला जो सेक्शन है वो पूरा, मैंने अलग, सपोज मैं अभी परम से मॉस्को जा रहा, तो जो बड़ी बड़ी सिटी को जाने के लिए इधर से अलग कंपार्टमेंट है, और परम से आलू आजू बाजू में जो छोटे छोटे तालुका है, डिस्ट्रिक्ट है, तो उनको जाने के लिए यहाँ पे मिलता आपको सबअर्बन टिकट, यानी परम के आजू बाजू में जो कुछ भी थोड़े थोड़े छोटे छोटे तालुका या डिस्ट्रिक्ट या छोटे गाँव है, अगर आपको यहाँ पे जाना होगा तो आपको यहाँ पे अलग टिकट खरीदना पड़ेगा। तो ये काउंटर लगा हुआ है, इसका नाम है सबअर्बन टिकट, यहाँ पे आप आ सकते हो अब, और परम के आजू बाजू जो कुछ भी डिस्ट्रिक्ट से या तालुका है तो वहाँ पे जा सकते हो यहाँ पे टिकट खरीदने के बाद में। तो यहाँ पे टाइम टेबल लिखा हुआ है पूरा, अगर आपको सबअर्बन प्लेसेस पे जाना है तो भी डिस्ट्रिक्ट आएंगे, जो गांव आएंगे जहाँ पे रेलवे जाती, तो वहाँ के पूरा नाम टाइम टेबल लिखा हुआ है। रेलवे स्टेशन पे अगर आप जल्दी आते हैं, अगर आपको आपका अगर सामान यहाँ पे आप रखना चाहते तो देखिए, आप यहाँ पे आने के बाद में कुछ काम वगैरह है, तो यहाँ पे आप बड़ा बड़ा आप देख सकते हैं लॉकर कितने बड़े, तो लॉकर के अंदर आप बैग रख सकते हैं और उसको लॉक कर सकते हैं। यानी अगर कैसे आप यहाँ पे आएंगे तो बैठेंगे, इधर उधर आपको घूमना होगा या बातचीत करनी होगी, तो यहाँ से आराम से आना, या लॉकर की चाबी यहाँ से, यहाँ पे लॉकर की चाबी मिलती, यहाँ से लॉकर की चाबी लेनी और यहाँ पे लॉकर खोलना, उसके अंदर आपका बैगेज जो है वो रखना, क्योंकि जो 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 इसका जो साइज़ है वो छोटा साइज़ है, तो अपनी बड़ी बड़ी बैग इसके अंदर नहीं बैठ सकती। हमारी जो बैग है वो बड़ी वाली बैग है, जो अपन एयरप्लेन के अंदर लेते हैं ना वो बड़ी वाली बैग, तो यहाँ पे नहीं बैठेगी, लेकिन छोटी जो हैंड बैग है तो इसके अंदर बैठ सकती है, इसको अपन लॉक कर सकते हैं और अपन आराम से जाके बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप आ सकते हैं और आपका जो लगेज है तो रख सकते हैं, ये भी इंफॉर्मेशन के लिए। और मुझे लगता है इसका जो है ना उसका स्टैंडर्ड लॉक का जो यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ है, 1 घंटे के लिए रखना होगा तो 100 रुपये, और 1 से 3 घंटे के लिए रखना होगा तो 150 रुपये, 3 से 6 घंटे के लिए रखना होगा तो 250 रुपये, 8 घंटे के लिए 500, 12 घंटे के लिए 600, और 24 घंटे के लिए 800। यानी आपको यहाँ पे इसका प्राइस पे करना पड़ेगा इतना, उसके हिसाब से आपको ये लॉकर मिलेगा, जितने घंटे के आपको चाहिए उतना घंटे के लिए।